आपने ओला उबर जैसे ऑनलाइन टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐप के जरिए लोडिंग ट्रक भी बुक हो सकते हैं? भोपाल के रहने वाले राहुल सिंह राजपूत ऐसा ही काम कर रहे हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म ऑनवे के जरिए ऑनलाइन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। राहुल के पास अपना कोई ट्रक नहीं है, फिर भी सिर्फ 3 साल में आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 7 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। जैसे मान लो उनको अपना माल भोपाल से मुंबई पहुंचाना है तो वो सोर्स और डेस्टिनेशन में जाकर अपनी लोकेशन फिल कर सकते हैं और वहां पर ट्रक टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसके बाद में एक सिंपल सा मोबाइल नंबर फिल करना होगा और OTP जनरेट होगा, देन उनकी इंक्वायरी सबमिट हो जाएगी और उनको एक फ्रेट जनरेट हो जाएगा, तो वो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रक मिल जाएगा। राहुल को इस बिजनेस का आइडिया अपने दोस्त की प्रॉब्लम को देख कर आया, जब उन्हें अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ी। मेरे एक दोस्त को अपना माल मुंबई पहुंचाने के लिए ट्रक की जरूरत थी और उसके बाद में हमारे माइंड में था कि कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जो कि रात दिन चलता रहे। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन या ट्रक ऐसा बिजनेस था जो कि लोग सो रहे होते हैं फिर भी चलता रहता है। इस बिजनेस को खड़ा करने में राहुल अकेले नहीं थे, बल्कि उनके भाई अखिलेश का भी साथ रहा। मुझे भी टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने इसके टेक्नोलॉजी पार्ट में फोकस करना स्टार्ट किया। इसकी क्या चीज़ें कैसे होंगी, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट, फिर उसका पूरा प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाया, उसको प्रॉपर समझाया, फिर बहुत लोगों से मिले हम लोग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, फिर ग्राउंड पे भी गए। कहते हैं ना, किसी भी चीज को शुरू करने में कई चैलेंज सामने आते हैं, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो या फिर ग्राउंड पर लोगों का सपोर्ट मिलना। 2008 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उस पीरियड में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था और साथ साथ में पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि घर में मैं बड़ा लड़का था, बट मेरे जैसे फैमिली और मामा जी इन लोगों ने सपोर्ट किया। इस प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी पे उतार रहे थे, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स में भी कुछ थे जो रूढ़िवादी सोच के थे, बट हमने उनको इसके लिए लेके आने के लिए कोशिश की। राहुल अपने बिजनेस के जरिए देश के कुछ शहरों में सर्विस दे रहे हैं। फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के साथ ट्रक और ट्रक ड्राइवर की समस्या को ध्यान में रखते हुए वो एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। हमारा अगला प्लान है, हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में अपना नेटवर्क बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे कि कोई भी ट्रक अगर किसी शहर में खाली होने के लिए जा रहा है तो उनके पास में पहले से ही रिटर्न लोड अवेलेबल रहे, जिससे कि उन्हें बहुत दिनों तक खाली खड़ा नहीं रहना पड़ेगा।